नमस्कार, मैं हूं मनी ब्लू एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। जनपद मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र स्थित कुनकुरा गांव में प्रधानी रंजिश के चलते ग्राम पंचायत सदस्य प्रत्याशी के प्रति राहुल जाटव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गुस्साए लोगों ने गांव से लेकर थाने तक जमकर हंगामा किया, जिसमें पुलिस ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और मुख्य आरोपी पूर्व प्रमुख के बेटे को अंकित को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्लू एक्सप्रेस न्यूज चैनल मेरठ से विजय वर्मा की रिपोर्ट। किस चीज के टिकट भरे गए थे आज? मेंबरी का। मेंबरी के टिकट भरने के ऊपर कि ये घर में बैठा था, कहाँ पर था ये? घर में था। अच्छा, कौन लोग थे वो मारने वाले? प्रमुख के लड़के। कौन, क्या नाम है प्रमुख का? प्रमुख योगिंदर। योगिंदर प्रमुख ही ब्लॉक प्रमुख रहे? अच्छा, तो आज क्या हुआ, आपका बेटा कहाँ गया था ये? मेरा बेटा वो टिकट भरवा के लाया था अपने घर वाले का, मेंबरी का। मेंबरी का? हाँ, तो उन्होंने भी किसी का भरवा रखा। अच्छा, धमकी दी? तो धमकी दे के बस ये कर दो। इससे पहले भी कोई आपका विवाद हुआ था इनसे? नहीं, नहीं। आज ही विवाद हुआ? घर जैसे संबंध थे। अच्छा, कितने बजे की बात है लगभग? 3 बजे। अच्छा, कितने लोग थे मारने वालों में? कौन कौन था वो? 3, 5, 6। अच्छा, ये एक तो अंकित और किन्नू थे? किन्नू। अच्छा, और वो गांव में तो कहते हैं जैसे कि किसी को कुछ कहते हैं। हाँ। नाम इनों का अलग अलग है। अच्छा अच्छा, तो ये जो 5 और थे इसके साथ भाई बहन थे, मतलब साथ वाले थे, कौन थे इसके? है जी, भाई हैं इसके सभी। अच्छा, एक साले का लड़का, एक लड़का और है। अच्छा, ना विवाद शुरू कहाँ से हुआ? ये आपके घर आए थे? घर आए जी, घर। अच्छा, घर आए फिर गोली मारी? घर विवाद। अच्छा, सबसे पहले वो उन्हीं के पास भरवाने के लिए जो पर्चा बता रहे हैं आप, कितने बजे गए थे मेरठ से, कब लौटे? ये तो सुबह ही गए होंगे। अच्छा, मैं तो एक मेरे दामाद बीमार था, 12 बजे घर घर गया था, गोली। अच्छा अच्छा, आपके कैसे लगी चोट? आपकी चोट? रोड मारी है, रोड। अच्छा, उन्होंने? अच्छा अच्छा, तो और कौन लोग हैं जिनके साथ, परिवार के? मेरे बाबा जी है, अंदर है। और किसी के साथ भी मारपीट हुई है? अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा सत्यदीप। क्या घटना है गाँव की, गांव में आपके? किस बात को लेके हुई है घटना जो हुई? किस बात? अच्छा अच्छा, ठीक। आप प्रधान हैं मौके पे? हाँ, ग्राम प्रधान। तो प्रधान जी, किस बात की रंजिश थी इस बात को लेकर? रंजिश तो वहाँ भी कुछ नहीं हुई, टिकट भरने गए थे। अच्छा, वहाँ कुछ भी कोई बात नहीं हुई, किसी की भी नहीं हुई। ये दोनों विपक्ष गए थे टिकट भरने के लिए? गए थे। अच्छा, और दूसरा विपक्ष भी गया था। अच्छा, और इतनी दूर थे, 50 मीटर की दूराई पे हम दोनों पक्ष अलग अलग। भाई मेरठ मेरठ, टिकट भरने समय भी कुछ विवाद हुआ था? कुछ भी नहीं। पहले हमने भर दिया, हमसे 1 घंटा बाद उन्होंने भरा। अच्छा, हम चल दिए थे। उसमें कौन था जिन्होंने भरा? उनमें ये अमित जिस जिन्होंने भरा है पर्चा, उसमें क्या नाम है उनका? अरुण। नहीं, हमें नहीं पता किस किसने भरा। चलो, नहीं हमें नहीं पता किस किसने भरा। राहुल ने हमारे साथ हमारे कैंडिडेट हो गए। अंजलि ने? अंजलि ने, अंजलि ने हमारा कैंडिडेट हो गए, वो अंजलि ने अपना पर्चा भरा। उसके बाद कब लौटे वहाँ से मेरठ से? वहाँ से लौटे हम 2:42 में। अच्छा, गांव में आगे कोई बातचीत हुई आपकी? नहीं, किसी की कुछ बातचीत नहीं हुई। गोली किस चीज से मारी? तमंचे से, पिस्टल से? भाई ये तो हम फिर ये घटना कहाँ हुई? मेरा तमंचे से मारी। अच्छा, हम घर पे नहीं थे। अच्छा, हमें तो पता जब चलाया, जब हम भाग के आए हैं। अच्छा, इन्हें छोड़ के, राहुल को छोड़ के घर पे गोली लगी भाग लोग के बाद। तो आप अस्पताल भी लेके गए? हम लेके आए इनको यहाँ से ग्रुप का। ये कह रहे सूर्य लेके चलो आप। अच्छा, गाड़ी लेके गए उन्होंने जो मृत्यु घोषित कर। अच्छा, पुलिस को क्या लिख के दिया आपने? गोली मार के युवक की हत्या का मामला सामने आ रहा है, कहाँ का मामला, क्या पूरा मामला है? ये थाना इंचोली पर सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो ये मामला सामने आया कि राहुल 28 वर्षीय युवक सन ऑफ जयपाल, उन्हीं के गाँव के अंकित नामक व्यक्ति द्वारा गोली मारे जाने का मामला प्रथम दृष्टया सामने आया। आपसी विवाद इसका कारण बताया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, तहरीर प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। थाना क्षेत्र इंचौली के कुनकुरा गांव में राहुल पुत्र जयसवाल को अंकित पुत्र योगेंद्र के द्वारा गोली मार दी गई थी, जिसके पश्चात राहुल की मृत्यु हो गई। इसमें परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। कुछ ही घंटों में मुख्य अभियुक्त अंकित की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। विस्तृत रूप से पूछताछ की जा रही है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।